गुड मॉर्निंग क्वींस, नमस्कार, सुप्रभात। कैसी हैं मेरी क्वींस आज? क्वींस, कल का जो मैंने पोस्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने बताया कि कैसे हमें बहती हुई धारा को देखना है, एक तक धारा को बहते हुए देखने मात्र से ही हम लोग कैसे अपनी हर परेशानी, अपने हर दुख से अलग हो सकते हैं, किसी को ब्लेम किए बिना, किसी को कुछ बोले बिना, अपने आप को किसी गिल्ट में डाले बिना, जब हम अपना जीवन जीते हैं, अपनी लाइफ को आराम से स्मूथली व्यतीत कर रहे होते हैं, तो हम हर किसी डर, हर किसी परेशानी से दूर होते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। आज के इस वीडियो सेशन में मैं ऐसी ही एक ध्यान क्रिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये ध्यान क्रिया मैंने खुद ही अपने लिए बनाई और इससे मुझे एटलीस्ट बहुत फायदा हुआ, और मुझे ऐसा लगता है क्वींस कि जिस भी क्रिया से मुझे फायदा होता है वो क्रिया मेरी सारी क्वींस के लिए बड़ी एप्ट रहेगी। तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ ट्राई करो। सुबह सुबह का टाइम है, हर कोई अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे और आंख बंद कर लेंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे कोशिश करेंगे घर के किसी ऐसे कोने में बैठने की, या जहां पे भी आप हैं, जहां आप केवल अपनी सांस को सुन पाए और आंख बंद करके भी देख पाए, महसूस कर पाए। मेरी बहुत सारी क्वींस कहती हैं कि डॉक्टर शिवांगी, आंख बंद करते ही हमें बड़ा डर लगता है। क्वींस, मेरे साथ भी ऐसा पहले होता था, जब तक कि मुझे एक बेसिक बात के बारे में पता नहीं चल गया, और वो बात होती है कि जितना हो सके हमें ये हमारी आंखों, हमारे दिमाग द्वारा बनाए गए वर्ल्ड, बनाई गई दुनिया को परे छोड़कर आंख बंद करके हमारे अंदर के प्रकाश को देखने की, निहारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही प्रकाश है जो सच है। और आंख खोलते ही ये जो हम देखते हैं, ये मेरा दिमाग तुम्हें बनाता है और तुम्हारा दिमाग मुझे बनाता है, और केवल वही बातें सटीक तरीके से तुम तक पहुंच पाती हैं या मुझ तक पहुंच पाती हैं जो हमारे दिमाग अलाउ करते हैं, बाकी सारी बातें साइड में हो जाती हैं। इसीलिए तो हम इस क्वीन इन द मेकिंग नामक प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व हुए, क्योंकि ये हमारे दिमाग को ट्रेन कर रहा है केवल सकारात्मक, प्यार और शांति भरा वातावरण, दुनिया बनाने की और देखने की। तो इसीलिए आंख बंद करना सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी ध्यान को लगाने का, क्योंकि हम इस इल्यूजन से अलग होके अपने अंदर के प्रकाश में खो सकते हैं। आंख बंद करो और सोचो, महसूस करो, अपनी मन की आंखों से देखो मेरी क्वींस की, चारों तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तुम प्रकाश के समुद्र के अंदर डुबकी लगाए हुए हो। जहां तुम बैठी हो नीचे फर्श या जमीन नहीं, प्रकाश है। जहां तुम सामने देखोगी वो प्रकाश है। साइड में तुम्हारे कंधों से होते हुए पीछे केवल प्रकाश ही प्रकाश है मेरी क्वींस। इमेजिन करो, महसूस करो, क्योंकि यही सत्य है। प्रकाश के अंदर डुबकी लगाए बैठी हो तुम, और अब लंबे सांस लेना शुरू करो। मुंह से सांस मैं केवल इसलिए छोड़ रही हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हें कितनी लंबी सांस छोड़नी है। ये क्रिया करते समय तुम्हें केवल अपना, आंख बंद करके केवल अपना मुंह, अपनी नाक, अंदर जाता प्रकाश और बाहर आता प्रकाश दिखना चाहिए।
ये क्रिया एक तरीके से तुम्हारे बाहर के ब्रह्मांड यानी कि प्रकाश को अंदर का जो ब्रह्मांड है, असलियत यही है क्वींस। ये जो बाहर तुम्हें शरीर रूपी ढांचा दिख रहा है, ये एक्चुअली केवल मात्र एक छोटी सी इरप्शन है इस ब्रह्मांड की। तो जब हम बाहर से प्रकाश अंदर आते हुए और अंदर से जो ऑलरेडी ब्रह्मांड का प्रकाश हमारे अंदर कूट कूट के भरा है उसे बाहर जाते हुए देखते हैं, तो इन दोनों ब्रह्मांडों का मिलन होता है और हम जान जाते हैं कि सब एक है। जो हम शरीर से अपने आप को अलग किए हुए थे, इस पूरे वातावरण से एक्चुअल में हम अलग नहीं हैं, क्योंकि एक बेसिक क्रिया जो हमें जिंदा रखे हुए है, जीवन दिए हुए है, वही बेसिक क्रिया हमें ये बात का हर पल एहसास दिलाती है कि बाहर का प्रकाश हम अंदर लेते हैं और अंदर का प्रकाश बाहर छोड़ते हैं। ऐसे ही दोनों प्रकाश मिलकर एकमात्र प्रकाश रह जाता है और इस प्रकाश में हर बाहर आती हुई सांस के साथ अपने दिमाग को, सबसे पहले अपने मस्तिष्क को इस प्रकाश की गर्माहट, इसकी वॉर्म्थ, इसके प्यार, इसकी शांति, इसके अपनेपन, जैसे कि एक ही है, उसमें अपने मस्तिष्क को घुलता हुआ देखो मेरी क्वींस। देखो कैसे तुम्हारे शरीर का एक एक पुर्जा, बाल से शुरू होकर तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे अंदर का दिमाग, फिर तुम्हारी आंखें, आंखों से नीचे आए तुम्हारे नाक, तुम्हारे होंठ, तुम्हारा पूरा फेस, तुम्हारी गर्दन, कैसे तुम्हारी पूरी बॉडी गायब खुलती चली जा रही है इस प्रकाश में हर बाहर आती हुई सांस के साथ। धीरे धीरे नीचे तुम्हारा धड़, और नीचे तुम्हारे पैर, तुम्हारी पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, नाखून तक कैसे इस प्रकाश में एक होते चले जा रहे हैं। जब मैं ये क्रिया करती हूं तो मेरे पूरे शरीर पे घूस बम्स हो जाते हैं, यानी एक तरीके से मुझे सिरहन सी उठ जाती है पूरे शरीर में, क्योंकि मुझे समझ आने लगती है कि मेरा शरीर कैसे हर पल घुलता चला जा रहा है। और यही सच है मेरी क्वींस। इस क्रिया को करते करते कब तुम्हारे अंदर से मर जाने का डर, अपनों को खोने का डर, किसी अननोन अनसीन का डर हट जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यही एकमात्र क्रिया है जो तुम्हें इस बात का ज्ञान देती है, अंदर तक जज्ब करवा देती है ज्ञान, कि जब तुम्हारा खुद का शरीर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो जिन रिश्तों से, जिन लोगों से, जिन परिस्थितियों से तुम डरे जा रही हो, जिस कारण से तुम डर रही हो, जिस कारण से तुम दुख में हो, परेशानी में हो, वो कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये केवल तुम्हारे दिमाग ने सामने बनाया है। और जब तुम्हारा दिमाग इस क्रिया से लीन हो रहा है उस एक प्रकाश में, जब दिमाग के लीन हो गया, वही घुल के मिल गया इस पूरे प्रकाश में, तो रह क्या गया? केवल प्रकाश। दिमाग ही तो है जो इस दुनिया का निर्माण कर रहा है तुम्हारे लिए। जब वो दिमाग ही उस प्रकाश में एक हो गया, तो फिर रह क्या गया मेरी क्वींस? केवल मात्र तुम्हारा होना। ह्यूमन तुम पहले से थी, लेकिन इस क्रिया से तुम बीइंग में आ जाओगी। ह्यूमन बीइंग का
बीइंग जो सबसे बड़ी चीज है वो तुम एहसास करने लगोगी इस ध्यान क्रिया से। आज में, अभी में, इसी वक्त में अपने एक एक सांस के द्वारा खुद को घुलता हुआ जब महसूस करोगी तो समझ आने लगेगी कि कैसे धारा तुमसे होकर बह रही है, तुम उसे नहीं कर रही हो। कोई भी डिसीशन तुम नहीं लेती, कोई भी काम तुम नहीं करती, ये धारा तुमसे होकर बह रही है। और जब इस धारा का अनुभव इस सुंदर तरीके से करोगी ना मेरी क्वीन, तो तुम जीवन के सबसे बड़े सच को जान जाओगी, महसूस कर जाओगी। इसी तरह अपने जीवन के अनूठे पल, चाहे तुम किचन में अकेली काम कर रही हो, चाहे तुम अकेली बाहर घूमने जा रही हो, चाहे तुम वॉक कर रही हो, केवल मात्र अपनी सांस के द्वारा तुम अपने इस नश्वर शरीर को हमेशा के लिए अपने दिमाग के साथ विलुप्त कर सकती हो और जान सकती हो कि तुम्हारी ये सांसें केवल तुम्हारे शरीर तक निर्मित नहीं है, तुम्हारी पहुंच हर जगह है मेरी क्वींस। इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना हमेशा पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द नहीं। ऐसी ही बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी क्रियाएं हम सीखेंगे मुंबई के 29 सितंबर के सेशन में। कई क्वींस को पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हुआ सितंबर और अक्टूबर के बीच में। मैं आज अभी इसी सेशन में आपको कहती हूं, रिक्वेस्ट करती हूं, क्वीन इन द मेकिंग के किसी भी सेशन की कोई भी जानकारी लेनी हो तो केवल पेज पर, या तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल के थ्रू ही जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वही सच है। किसी भी और वेबसाइट पर दर्शाया गया कोई भी इवेंट सच नहीं है। 29 सितंबर को मुंबई का इवेंट है। बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज आप लोग भेज रही हैं इंस्पायरिंग जेम्स ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए। आप लोग प्लीज ऐसे ही भर भर के अपने जीवन की कहानियां मेरे साथ साझा करें, और जो भी कहानियां हमें इतनी प्रोत्साहित करेंगी, इतना हमें कोई लेसन दे जाएंगी, चाहे वो कहानी आज तक कहीं ना छपी हो, चाहे आपका नाम कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन मुझे मेरी क्वीन की कीमत पता है। तुम अमूल्य हो मेरी क्वीन, तुम्हारी कहानियां अमूल्य हैं। जल्दी जल्दी इस ईमेल आईडी पे अपनी कहानियां लिख के भेजो और साथ ही साथ रजिस्टर कराओ फटाफट मुंबई सेशन के लिए, ताकि हम ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें करके अपने जीवन को एक बहुत सुंदर रूप दे पाएं। आई लव यू ऑल, बाय।